अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। सबसे पहला अपडेट है इस कार को लेकर। ये कार वाला एम्बुलेंस को जाने से रास्ता रोक रहा था, जाने नहीं दिया। फिर इस कार वाले के साथ क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। और ये अभी अभी कुछ देर पहले का मंजर है, महाराष्ट्र का मंजर है। अकबर ओवैसी को पहनाने के लिए इतना बड़ा फूल का हार ला लिए है। और ये हैदराबाद से वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ पर बीजेपी के लोगों के घरों में जाके सो रहे हैं। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है। और आखिर ऐसा क्या हो गया, लोगों के घर में जाके बीजेपी के लीडर्स कुछ इस तरह से सो रहे हैं, ये अपडेट भी आपको देंगे। बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट देके पीछे से मारते। और सऊदी अरब का ये वीडियो कल से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो देखिए 1.5 साल पहले ही हम आपको बता दिए थे। काफ़ी सारे लोग जो चैनल से जुड़े हैं उन लोग देखे होंगे। तो जो लोग अभी रियल मियां भी चैनल को फॉलो करके नहीं रखे, सब्सक्राइब करके नहीं रखे, उन लोगों के साथ ऐसी छोटा दिखिए 1.5-2 साल के बाद में न्यूज़ मालूम होती। तो अभी तक आप रियल मियां भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। ज़्यादा मेहनत नहीं रहती, खाली फॉलो का बटन सब्सक्राइब का बटन ऐसा दबा के छोड़ देना रहता, बस इतना काम करना रहता। और जो नए लोग हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ अगर क्लिक कर दिए बोले तो चाहे के अपडेट्स है तो नहीं तो यही वीडियो क्लोज है समझो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हैदराबाद से ये जबरदस्त अपडेट निकल के आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी में एक लड़की को बिठाकर ले जाया जा रहा है। ग्रुप 3 का इनका एग्जाम था, गलती से इन्होंने क्या करे, जो कॉलेज को जाना था वहाँ पे जाने का दूसरे कॉलेज को चले गए, जिसके बाद में पुलिस की जानिब से इनकी हेल्प की गई। बेहतरीन काम पुलिस की जानिब से किया गया है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इन्होंने अच्छा एग्जाम लिख के पास हो जाएंगे। मूसा नदी के रिवर बेड में जिन लोगों के घर आए उन लोगों के घरों को बचाने के लिए बीजेपी की जानिब से एक यूनिक मुहिम का आगाज किया गया है, जहां पर जितने भी लोग मूसा नदी के जो रिवर बेड में रहते उन लोगों के घर को जाएंगे बीजेपी वाले, वहीं पर खाना भी खाएंगे और वहीं पर सोएंगे। जहां तक मूसा नदी की बात है, रिवर बेड और बफर जोन को मिलाकर टोटल 10,200 से ज्यादा घर मौजूद है यहां पर। अब बीजेपी वाले जाकर लोगों के घर में ऐसा सोते हुए एक मुहिम का आगाज करे बोल के यही बात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पूछ लिया मीडिया वाले। तो वो गुजरात का गुलाम है, जब नरेंद्र मोदी जी साबरमती रिवर फ्रंट बनाया तो वो ताली मारता है। तो वहाँ पर 50,000 ज़्यादा परिवार लोगों को वहाँ से रिलोकेट किए। जब बहुत अच्छा लगा वो गुजरात मॉडल पूरा दुनिया में बोलने के लिए कोशिश किए। हैदराबाद में हम लोग तेलंगाना राइजिंग प्रोग्राम में तेलंगाना तरक्की करने के लिए कोशिश किए तो किशन रेड्डी जी ने उसको खराब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल को हम तेलंगाना राइजिंग के काउंटर मॉडल है। तो कांग्रेस मॉडल अगर इस हिंदुस्तान में सब लोग जानने लगे तो गुजरात मॉडल तो फेल हो गए। तो इसीलिए मोदी जी के परिवार किशन रेड्डी को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जैसा एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी जो कोर काम के काम कर रहा है ना यहाँ के जनता को धोखा देने के लिए, वहाँ पर भी किशन रेड्डी उतना ही काम कर रहा है। तो ये ऐसे कामों से कुछ फ़ायदा नहीं है। जब गंगा नदी रिजनरेशन किए तो बहुत अच्छा दिखता है, जब साबरमती रिवर फ्रंट बनाए तो उनको बहुत अच्छा दिखता है, मगर मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट काम किए तो उन लोगों को अच्छा नहीं दिखता है, वो लोग खराब करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे कामों से उन लोगों को राजनीति में कुछ फायदा नहीं मिलने वाले है। हम लोग कुछ भी करने दो, हम मूसी रिवर डेवलपमेंट करके ही रहेंगे। आजकल क्या हो रहा बोले तो कार के पूरे पैसे देके लोग नहीं खरीद रहे, खासकर लोग क्या कर रहे बोले तो बैंकों से लोना उठा रहे ईएमआई के ऊपर, फिर क्या करते कार ले लेते चलाते। ऐसे लोगों को अगर बोले जो आप ईएमआई बन रहे महीने को उसमें इंटरेस्ट ऐड होता तो ये लेना जायज़ नहीं है, आप जो चला रहे आपकी मेहनत की कमाई हराम में कहीं उधार रहे बोले तो क्या बोलते मालूम है, इन्होंने बोल दिए उन्होंने बोल दिए, इनका बयान सुन लिया उनका बयान सुन लिया। तो देखिए पहले जिनका आप बयान सुने जिनकी आप बात पर अमल कर रहे हैं उनको कलमा पढ़ाइए, फिर बाद में आप दोबारा पढ़िए। अपनी मन मर्जी से दिन में चेंजेस नहीं कर सकते, अगर आप कर रहे बोले तो फिर देखिए बहुत सीरियस मैटर है। तो ये बातों को अपन साइड में रखते हुए इस वीडियो के ऊपर बात करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है, केरला का ये वीडियो है। एम्बुलेंस का लगातार सायरन बज रहा है, एम्बुलेंस वाला साइड मांग रहा है लेकिन एम्बुलेंस को इसने साइड नहीं दी और एम्बुलेंस के अंदर से किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया किस तरह से ये हरकत कर रहा था। उसके बाद में पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, 2.5 लाख रुपए का फाइन लगा है और साथ ही साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमेशा के लिए कैंसिल हो चुका है, यानी कि साइड ना देने की वजह से अब इन्होंने जिंदगी भर गाड़ी नहीं चला सकते। और आज अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से इम्तियाज जलील के लिए कैंपेनिंग की गई, इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा हार एक जनरल ला लिया अकबर अवैसी के लिए। बीस तारीख को महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन होने वाला है, 23 के अंदर मजलिस वाले जश्न भी मनाने वाले हैं, ये ऐलान भी हो चुका है और मजलिस के स्टेज से लेटेस्ट बयान भी सामने आया है। बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट देके पीछे से मारते। इफ्तार पार्टी में वो लोग टोपी पहनते, मुसलमानों को खजूर खिलाते, दरगाह पे चादर भेजते, पीछे से काम करते, बात सबको समझने नहीं आती। याद रखिए 20 तारीख के दिन
आपका वोट आपका फैसला, आपका लीडर आपकी खयादत, आपकी पहचान आपकी ताकत, सब आप लोगों के हाथ में है। पूरे महाराष्ट्र में अब एक भी मुसलमान एमपी तो नहीं है, कम से कम अपने कुछ लोगों को कामयाब करके असेंबली तो भेज दीजिए। जहां जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े हैं, अगर वो कामयाब हो जाए तो महाराष्ट्र में दलित मुसलमान आदिवासी गरीब और मराठाओं की नुमाइंदगी बेबाकी से होगी। अगर महाराष्ट्र के मुसलमान दूरंदेशी करते हुए बेबाक होकर एक तरफा मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे तो इस इलेक्शन में हम किंग मेकर बन सकते हैं। बेशक हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे महायुति की सरकार ना बने, बेशक हमारा मकसद है कि हम पहले बीजेपी को रोके, जालिमों को रोके, उनको कामयाब होने नहीं दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और के गुलाम बन जाए। कांग्रेस और दीगर पार्टीज का मुसलमान सिर्फ उनकी गुलामी करते हुए ही अच्छे दिखते, लीडर बनते हुए अच्छे नहीं दिखते, इसीलिए वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट भी नहीं देते। बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते। इफ्तार पार्टी में वो लोग टोपी पहनते, मुसलमानों को खजूर खिलाते, दरगाह पे चादर भेजते, पीछे से काम करते हैं, बात सबको समझने नहीं आती। अरे बताओ बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले कौन थे? एनपीआर को किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूएपीए को किसने सपोर्ट किया था? ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कौन खामोश थे? अगर कर्नाटका में हिजाब बैन बीजेपी ने लाया तो हिजाब बैन को नहीं हटाने वाले कौन है? मुजफ्फरनगर दंगों के जिम्मेदार कौन थे? 2014 से पहले मुल्क भर में जितने भी दंगे हुए उसके जिम्मेदार कौन थे? जब पार्लियामेंट में वफ अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया तो जो महाराष्ट्र के 9 एमपी भाग गए थे वो कौन सी पार्टी के है बताइए? अरे ये वही लोग हैं जो हमको खजूर खिलाते इफ्तार पार्टियों में, और मुसलमान बीजेपी नहीं आना बोल के इनके खजूर खा के खामोश बढ़ जाते। खजूर खा के क्या क्या इतने नुकसान हम उठा लेंगे? महायुति और महाविकास अघाड़ी एक ही सिक्के के दो रुख है। शिवसेना महायुति में भी है, महाविकास अघाड़ी में भी है। एनसीपी महायुति में भी है, महाविकास अघाड़ी में है, पूरी खिचड़ी है। और हम कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? अब किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी की गुलामी करने की जरूरत है। खौफ में आकर वोट मत डालिए, हिम्मत और जुर्रत के साथ बेखौफ होकर वोट डालिए। डर के वोट डालने वाले बोलेंगे कि बीजेपी आ जाएंगी लिहाजा इनको वोट दे दो, इनके खजूर काफी है। और बेखौफ होकर हिम्मत और जुर्रत के साथ वोट डालने वाले बोलेंगे कि हम बीजेपी को तो कुचल देंगे लेकिन अब किसी की गुलामी भी नहीं करेंगे, हम खुद अहमानों में जाकर हमारा हक हासिल करेंगे। मौत से डर जिंदगी नहीं देती, अगर जंग जीतनी हो तो कश्तियां जला देना। ताकतें अगर तुम्हारे पास है सितम करो, तो हमारे पास रहमत परवरदिगार है। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए रियल मी ऐप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।